विल नॉट डिवोट मोर टाइम, राइट। आप इसको आराम से देखें, सबसे पहले आप चेक करें क्वेश्चन नंबर वन को। सी क्वेश्चन नंबर वन बेटा क्या कहना चाह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड। बेटा आप चेक करें, वी हैव टू गिवन ट्रायंगुलर फील्ड। बेटा मैं हिंट दूंगा, साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:5। तो आप लोग क्या करेंगे, लेट साइड्स आर 3x, 4x and 5x, राइट। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 144। यू गॉट माई पॉइंट बेटा उपेंद्र बच्चे। x इक्वल टू कितना बन गया आपका, 12। अगर x आपका 12 बन गया, यू विल गेट द साइड्स 36, 48 and 60। यू कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा नेक्स्ट आप आइए, सेकेंड इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। लेट अस गो टू प्रॉब्लम नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा ए बी सी इज गिवन टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। बेस हमें दे रखा है बेटा 12, इट्स पेरीमीटर इज 32। जल्दी जल्दी बोले बच्चे, बेटा रिप्लाई करो, सिंपल प्रॉब्लम है बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, ये दोनों साइड इक्वल है, पेरीमीटर इज गिवन टू बी 32। तो एक्स आपका कितना बन गया बेटा, 10। अगर आपकी तीनों साइड हमारे को निकल गई है तो वी कैन फाइंड इट्स एरिया। फोर्थ इज सिंपल प्रॉब्लम। फिफ्थ पे आइए बेटा, प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ को रीड करो। एनु बेटा रीड करो, एनु एनु बेटा रीड करो बच्चे। बेटा वी हैव टू गिवन ए पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन है 5 and 3.5 सेंटीमीटर। वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन टू बी 6.5। ये बेटा डायगोनल गिवन है 6.5। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रिप्लाई करो, क्या करोगे बच्चे। दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और बेटा ये अगर आप बिल्कुल ठीक है, ये 5 है तो ये बेटा 5 है, ये आपका 3.5। आपको इस ट्रायंगल का एरिया हीरोंस फार्मूला से और इस ट्रायंगल का एरिया यू कैन फाइंड, राइट। इन दैट के यू विल गेट योर आंसर, गॉट इट। प्रॉब्लम नंबर 6 पे आइए, रीड करो बच्चे। अच्छा ये तो वही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए जरा इसका। बेटा साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 13:14:15। तो बेटा साइड्स को क्या लोगे, 13x, 14x, 15x। आप इनको ऐड करो, पैरामीटर कितना गिवन है, 84। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अगर x आपका निकल गया तो बेटा साइड्स निकल गई, देन यू कैन फाइंड इट्स एरिया। 8 प्रॉब्लम को रीड करें। ये प्रॉब्लम नंबर 8 बेटा, बेटी आप बताओ बच्चे। बेटा प्रॉब्लम नंबर 8 रीड करो बच्चे। बोलो बच्चे, रिप्लाई करें। उपेंद्र बेटा रिप्लाई करो, अमित रिप्लाई करो बच्चे। अमित सर, एन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होज डायगोनल इज 6.8 सेंटीमीटर। सर उसका डायगोनल गिवन है हमारे पास 6.8 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डायगोनल फ्रॉम एन ऑपोजिट वर्टेक्स इज 7.5 सेंटीमीटर। सर हाइट आ गई, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा आपने क्या करना है, इस बड़े ठीक बताए इन्होंने। बेटा प्रॉब्लम देखें आप लोग, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है whose diagonal is given to be 6.8. beta length of diagonal is given to be 6.8 and perpendicular distance of this diagonal from opposite vertex, beta ye 7.5 hai ya 7.5 hai, 7.5 hai। acha kya ye dono length equal hongi, koi bachcha reply kare। बेटा ए बी सी डी इज गिवन टू बी डायगोनल पैरेललोग्राम, माय क्वेश्चन इज वेदर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस
to this diagonal will be equal. Yes, no? Yes, sir. आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको ये लेंथ गिवन है, ये गिवन है, तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे. इसका एरिया जो भी निकलेगा उसको टू से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, राइट. प्रॉब्लम नंबर 9 रीड करें. 9 बच्चे दीपेश रिप्लाई करो बेटा. दीपेश बेटा, वी हैव टू गिवन ए रोम्बस. जिस बच्चे का रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा बच्चा क्लास में नहीं है. बेटा, वी हैव टू गिवन ए रोम्बस हुज पेरिमीटर इज गिवन टू बी 52. बेटा, ई साइड को मैंने बेटा एक्स ले लिया, तो 4x इक्वल टू 52. तो एक्स आपका बेटा बन जाएगा 13, राइट. नाउ डायगनल इज गिवन टू बी 24. व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगनल? कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है? एनीवन इन द क्लास? बेटा, पैरेललोग्राम का पैरामीटर गिवन है रोम्बस का. वी हैव गॉट ई साइड. आपको लेंथ ऑफ वन डायगनल इज गिवन. वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ सेकंड डायगनल. एनीवन इन द क्लास? सर, पहले तो इसका हीरोइन फार्मूला से एरिया निकाल लेंगे, फिर 1/3 को बेस इनटू वाइड से निकाल लेंगे. बिल्कुल ठीक है अहमद. अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये मालूम है एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2? बिल्कुल ठीक है बेटा. 1/2 d1 into d2. d1 आपको गिवन है, d2 निकालना है. अब आप इसका एरिया निकालें बेटा. एरिया ए बी सी डी के दो पार्ट होंगे. दैट विल बी एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस, बच्चे एरिया ट्रायंगल कितना आपका एसीडी. चेक करो बच्चे, एरिया एबीसीडी का मतलब क्या हुआ? एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ट्रायंगल कितना आपका एसीडी, राइट. अब आप क्या करेंगे, जब आपको तीनों साइड मालूम है, राइट, यू कैन राइट अप्लाई हीरोज फार्मूला. ये आपके दोनों एरिया इक्वल आएंगे, 2 times एरिया ट्रायंगल एबीसी. अब इसको इक्वेट करो 1/2 d1 d2, राइट. आपको d1 गिवन है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d2. हम लगा के रिप्लाई करें, समझ में आ गया? अंशिका बताओ बच्चे, कितने बच्चों को समझ में आ गया? कनिष्का को आ गया, राहुल को भी आ गया, रितिका को आ गया, खुशी, दीपेश. सिर्फ 6 बच्चों को समझ में आया, इसका मतलब बाकी बच्चों को नहीं आया. 8 बच्चों को समझ में. विशु सो गया, साक्षी सो रही है, रोनित. चलिए प्रॉब्लम नंबर 10 पे आए बच्चे. हु विल रीड दिस स्टेटमेंट? देखो बच्चे, ये बेटा 3-4 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दिस असाइनमेंट, आपको मैं बता रहा हूँ बेटा. इन्हें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन्हें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी इज गिवन टू बी 7, ये आपको दे रखा है 12, ये आपका 12, दिस इज गिवन टू बी 9. डायगनल ए सी आपको दे रखा है बच्चे 15, राइट. देन इट्स एरिया, आपको क्या निकालना है इसका एरिया. मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है बेटा. क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड गिवन है और आपको ये गिवन है, आसान प्रॉब्लम है. आगे आइए आप, देखना जरा जो नई प्रॉब्लम है वही करेंगे, बाकी का आप सिंपल कर लेंगे, ये आप सारा कर लेंगे. आगे आइए बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, एलन की. बताएं बच्चे प्रॉब्लम नंबर 1. एनीवन इन द क्लास? बेटा राहुल, बेटा बताओ आपको, द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. बेटा राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये कितना बन गया आपका 12, तो ये आपका क्या निकल जाएगा एरिया. आगे आइए, मैं थोड़ा सा मुश्किल करना चाह रहा हूँ. ये प्रॉब्लम नंबर 7 करके बताना जरा. एनीवन? बेटा ये शॉर्ट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ मेरा हिंट देना काफी है. प्रज्ञा आप बताओ बच्चे, 7 प्रॉब्लम. इन ट्रायंगल एबीसी बीसी इज गिवन टू बी 5, ये आपका दरक है 12, दिस इज गिवन टू बी 13, इज इट ओके, राइट.
अब क्या कहना चाह रहा बच्चे, दिन है लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए सी, कौन बच्चा बताएगा? एनीवन इन द क्लास? फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसका हाफ कर देंगे, फिर उसको इक्वल नहीं 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 एक एक मिनट बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? हीरोन्स फॉर्मूला आपको बेटा, तीनों साइड आपको गिवन है 12, 5, 13. तो मेरे हिसाब से 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर नहीं है? चेक करो बच्चे, बेटा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर. तो ट्रायंगल आपकी क्या बन गई, आपकी राइट एंगल, राइट, बी सी 5 है और ए सी 12 है, ये आपका सी आ गया बी सी, ये बिल्कुल ठीक फिगर है. अब आपसे क्या कहना चाह रहा है, Find the length of altitude from B to AC. Anyone in the class? कोई ये मुश्किल काम है? अरे बच्चे बोलो. Reply नहीं कर रहे एक तो आप, बहुत खराब बात है. तनिष्का reply करो बेटा. बेटा triangle is given to be right angle. We have to find length of altitude drawn from B to AC. B to AC. अरे बेटी बेटी मैं कुछ और बोल रहा हूँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्ची. बेटा B से AC पे ड्रा करो परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो आंसर 5 ही तो आएगा. यस नो बच्चे? रिपीट करो. बेटा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ट्रायंगल आपकी राइट एंगल है, आपने क्या निकालनी है, तीनों साइड गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम बी टू एसी. बेटा बी से एसी पर ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये लेंथ आपको निकालनी है, 5 तो है. यस नो? यस सर. अच्छा मैं एक अगला एल्टीट्यूड निकालना है और सारे एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं मेरे बेटी, सारे ऑल्टीट्यूड मैं आपको बताता हूँ. अच्छा ये बताओ, अगर आपको सी से परपेंडिकुलर ड्रा करना हो तो लेंथ कैसे वो निकालोगे? बेटा इफ यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, क्या होगा है? बेटा आप ये बताओ, इसका एरिया दो तरह से निकालो, 1/2 × 12 × 5 पहला तरीका, दूसरा 1/2 × बेटा इसको बेस ले लो, ये आपका डी है, 1/2 × 13 × d, तो आपका ये बन जाएगा 60 = 13 d. तो डी बेटा उस केस में बन जाएगा 60/13. यस नो में रिप्लाई करो बच्चे. बेटा अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो बी से इस पे ड्रा करो तो ये तो लेंथ ही होगी, ये भी लेंथ होगी, ये आपको निकाल दिया. प्रॉब्लम नंबर 8 पर आए. 8, ये ट्रायंगल ऑफ एरिया 9xy. बेटा क्या गिवन है, ट्रायंगल ऑफ एरिया 9xy हैज बीन ड्रॉन such that its area is equal to area of equilateral triangle, right? मेरे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है. बेटा A1 equal to A2 given है. A1 पहली ट्रायंगल का एरिया कितना है आपका? 9xy, right? 9 into y है. अब आपको किसके इक्वल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जिसकी ईस्ट साइड बेटा 6 है, ये बेटा बन जाएगा 3/4 × 6² आप लोग इजीली कर लोगे y की वैल्यू. अब आप इस पे आना जरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. ये बेटा देखना जरा, 13, प्रॉब्लम नंबर 13 पे आइए बेटा. 13 पे आइए, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 14 cm. बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है एबीसी, राइट, इसका पेरीमीटर गिवन है बेटा, ये दोनों साइड इक्वल है, ये एक्स एक्स ये वाई, एक्स प्लस वाई इज गिवन टू बी 14. तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 14. इट्स लेटरल साइड्स, बेटा क्या कहना चाह रहा है, इट्स लेटरल साइड्स इज टू द बेस इन द रेशियो 5:4. बेटा क्या कहना चाह रहा है, ये दोनों साइड्स क्या होंगी बेटा, लेटरल साइड्स होंगी. अब आपको लेटरल साइड का बेस से आल्सो x/y इज गिवन टू बी 5:4,
तो y बेटा बन जाएगा 4x over 3, तो ये बन जाएगा 2x plus y equal to 14, तो ये आपका बन जाएगा 10x by 3 equal to 14, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, बिल्कुल ठीक आएगा, तो x की वैल्यू बन गई 21/5, अगर आपको ये 21/5 है बच्चे, ये 21/5, y आपका निकल जाएगा राइट, तीनों साइड आपकी निकल गई, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। रिप्लाई करो बच्चे बेटा, यस नो रिप्लाई बेटा, मैंने आपको ये बताया, वी हैव टू गिवन ट्रायंगल एबीसी, दिस ट्रायंगल इज गिवन टू बी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब टू साइड्स आर इक्वल बच्चे, इसको x ले लो, इसको x ले लो, इसको कितना ले ले बटे y, राइट, इसका पेरीमीटर गिवन है 14, पेरीमीटर का मतलब हुआ x plus y, ये आपका 14 है, तो 2x plus y equal to 14, राइट, अब लेटरल साइड और बेस, बेटा लेटरल साइड ये दोनों हो गई आपकी झुकी हुई, और ये आपका बेस, x और y का रेशियो दे रखा है 5:4 बच्चे, आई एम सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू निकलेगी 4x/5, चलो जो भी निकलता है, यहाँ पर आपका बेटा x निकल जाएगा, x के बाद आपका y निकल जाएगा, after getting x and y, आपके ट्रायंगल के तीनों साइड निकल गए, you will get its area. Yes, no, बच्चे? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं बेटा, मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बस आपको डिफरेंट ये आप आना बेटा, प्रॉब्लम नंबर 18 पे आइए आप लोग पहले बेटा, कोई भी बच्चा 11 बजे ब्लैक क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, हाँ रोनित बताओ बच्चे, रोनित 13 क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बताइए बताइए बताइए, जो उसको जो सर रेशियो दे रखा है उसको x कर लेंगे 5x, तो सर वो 2 हो जाएगा, 10x बन जाएगा, क्या एक मिनट दोबारा बताना, दोबारा बताओ, इसमें रेशियो दे रखा है 5:4 का, ठीक है सर, 5 तो डबल हो जाएगा तो 10x हो जाएंगी, ठीक है ये 4x, तो सर इनका सम 14x is equal to 14, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, साइड भी आ जाएंगी, चलो कोई बात नहीं बेटा, जब हमें रेशियो गिवन हो तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो हमेशा बेटा लेके चलते ही हो, आप लोग बताइए आपको, चलिए प्रॉब्लम नंबर 18 पे आओ, दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, 18 पे आइए सारे बच्चे, 18 पे आओ, 18 जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है बेटा, 18 ए सर्वेयर इन हिज फील्ड बुक हैज फील्ड बुक हैज ड्रॉन द प्लॉट, बेटा ये हमें प्लॉट गिवन है, प्लॉट की शेप गिवन है, एरिया ऑफ द प्लॉट आपको निकालना है बेटा, आपको इस प्लॉट का एरिया निकालना है, क्वेश्चन देख के मुश्किल लग रहा है, मैं आपको आसान करता हूं, ए बी सी डी ई एन कितना बच्चे एफ, बेटा क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एरिया ए बी सी डी ई एफ, इसके बेटा चार पार्ट होंगे, इस ट्रायंगल को लीजिए एरिया ए वन, इसको बेटा क्या लीजिए ए टू, ए वन ए टू, इसको क्या लीजिए बच्चे ए थ्री, और ये क्या बोलो ए फोर, बेटा ये ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर, ए वन का एरिया क्या होगा बेटा, ये हमें बेस गिवन है और आपका परपेंडिकुलर कितना है आपका जेड, तो 1/2 अब इसका एरिया बताइए बेटा, बेस आपका ए है और बे परपेंडिकुलर आपका कितना है वाई, 1/2 a into y, अब इस ट्रायंगल का एरिया बताइए बच्चे, इसका बेटा बेस हमें b गिवन है, ये t है, तो 1/2 b into t, यहाँ पर आइए बच्चे, इसका एरिया कितना होगा लास्ट वाला, बेटा ये c है, this one is given to be d, तो 1/2 into c into d, yes no मेरे reply करो बच्चे, अगर आप इसको बेटा 1/2 को नहीं होगा dx होगा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं जैसे 1/2 जी बेटा, z और a तो आपको समझ में आ गया, a z तो ठीक है, यहाँ पर आपका 1/2 a into y, ठीक है बच्चे, cx आएगा एक मिनट, लेट मी चेक, अच्छा ये c into x, ठीक है ओके, c into, ठीक है 1/2 बेटा कॉमन ले लीजिए, अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर कर लीजिए, नहीं तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, ये आपका बीटे प्लस कितना आपका cx, आगे बच्चे आना जरा 19 को चेक करो जरा, कौन बच्चा बताएगा
बेटा रिप्लाई किया करो, ये आसान आसान प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है। 19 क्विकली रिप्लाई करें बेटा, रिप्लाई करें। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया एक्स, बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है जिसका एरिया एक्स है राइट, और स्क्वायर का एरिया वाई है, दोनों का पैरामीटर सेम है। पहले तो मुझे ये बताइए क्या कहना चाह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों का सेम पैरामीटर है, बताएं जरा। इसकी इस साइड को मैं एक्स लेता हूँ, इसको वाई लेता हूँ, बेटा हमें क्या गिवन है, 3x = 4y। यस नो बच्चे, रिप्लाई नहीं करते हैं। बेटा आपको क्या गिवन है, बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर का पेरिमीटर सेम है, तो 3x = 4y, x = 4y 3y। तो आपसे कहना चाह रहा है पहले इसका एरिया कैपिटल एक्स है, इसका एरिया कैपिटल वाई है, कौन सा ग्रेटर है, या कौन सा इक्वल भी हो सकते हैं, एक्स ओवर वाई। एक्स का मतलब हुआ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बच्चे कितना बन जाएगा, √3/4x². y का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका बन गया बेटा वाई स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं बच्चे, x² / y² का मतलब हुआ x/y² एक्स ओवर वाई कितना बेटा, 3/4/3, तो ये आपका बन जाएगा 16/9। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चे एक्स ओवर वाई कितना बन गया बेटा, बोलो, ये बन गया 4√3/9। अब आप मुझे बताओ √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1.7728, ये आपका लेस देन 1 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स लेस देन वाई, यस वाई यस नो बच्चे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा वी हैव टू गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी इस साइड को बेटा मैंने एक्स ले लिया और इसको क्या ले लिया बेटा, स्क्वायर का वाई। पेरीमीटर्स आर गिवन टू बी इक्वल राइट, जब पेरीमीटर इक्वल होगा तो 3x = 4y, तो x = 4/3y राइट। अब आपने एक्स कैपिटल एक्स का मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4x², वाई का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, एक्स बाय वाई को पुट कर दिया, आपका लेस देन 1 आ गया। आगे नेक्स्ट भी प्रॉब्लम 20 आपकी सेम है, आगे आइए बच्चे। हाँ जी, ये बेटा आपके कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा है ओलंपियाड प्रॉब्लम मेंशन किए हैं, आप जरा इस पे आइए जो विजिबल प्रॉपर भी हो ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा आपका, 6 की प्रॉब्लम नंबर 6 कौन बच्चा रीड करेगा, कनिष्का रिप्लाई करो बेटा, कनिष्का। यस सर। बेटा क्या लिखा हुआ है देखो जरा 6 को। ए वेसल इज इन कॉनिकल शेप इफ इट्स वॉल्यूम इज 33.264 liters and height is 72 centimeters. The cost of repairing its curved surface area at rupees 12 square meter is. बेटा हमें क्या given है यहाँ पर? We have to given a vessel in conical shape. Its volume हमें दे रखा है बेटा 33.264 liter. आपको मैंने बेटा relation बताया कि 1 liter में कितना centimeter cube होते हैं? Somebody can tell me 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यस नो, रिप्लाई किया करो बच्चे। तो ये बेटा बन गया आपका 33.264 सेंटीमीटर क्यूब। यस नो बच्चे, बेटा ये वेसल इज इन द कॉनिकल शेप, इट्स वॉल्यूम इज दिस वन और हाइट हमें गिवन है। वॉल्यूम कितना होता है बच्चे, 1/3 πr² h राइट। अब यहाँ पर हमें क्या बेटा गिवन है, आर आपको, अच्छा हाइट गिवन है, तो यहाँ से आर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज CSA का मतलब क्या होता है, अरे CSA का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 12 per square meter। बेटा आप मेरे को ये बताओ यहाँ से क्या निकलेगा, आर की वैल्यू निकलेगी, एच आपको गिवन है तो एल निकल जाएगा, एल टू मीन √r² + s² राइट।
आपके पास L की वैल्यू निकल गई, H की वैल्यू निकल गई, राइट। नाउ आपका कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पाई आर एल, राइट। यस नो बच्चे? यस सर। आइए बेटा प्रॉब्लम नंबर 8 पर। सी प्रॉब्लम नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। बेटा आपको एक बाउल चाहिए, ये भी आप कर लेंगे, आगे मैं चलता हूँ थोड़ा। जो मुझे लगता है डिफरेंट है, एक बार 16 को जरा रीड करना बेटा, 16 प्रॉब्लम को, 16 पे प्रॉब्लम। बच्चे कौन बताएगा मुझे? साक्षी आप बताओ बेटा। साक्षी कैन यू हियर मी? साक्षी? यस सर। बेटा इसको जरा रीड करके बताइए कैसे करोगे आप इस प्रॉब्लम को। बेटा प्रॉब्लम नंबर 16 को रीड करके बताएं। टू आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स ईच ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। बेटा आपको दो कोन्स गिवन है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये आपका 2 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू बी 2 सेंटीमीटर। आर प्लेस एज शोन इन द डायग्राम, ईच इज वर्टिकल एपेक्स डाउनवर्ड, मतलब बिल्कुल सीधी है और वन अबव द अदर है। एट द स्टार्ट द अपर कोन इज फुल ऑफ वाटर, बेटा ये आपका फुल ऑफ वाटर है इनिशियली, और ये वाली इनिशियली क्या है बेटा एम्प्टी, ये बोल रहा है आपसे बेटा। एट द स्टार्ट द अपर कोन इज फुल ऑफ वाटर एंड लोअर कोन इज एम्प्टी, देन वाटर ड्रिप्स डाउन थ्रू ए टिनी होल इन द एपेक्स ऑफ अपर कोन, बेटा यहाँ पर टिनी होल के थ्रू पानी यहाँ पर इसमें आता है। The height of the water in the lower cone, बेटा lower cone के पानी की मुझे height निकालनी है। When the height of the cone in upper, when the height of the water in upper को 1 centimeter, जब बेटा इसकी जो height क्या हो जाए आपकी 1 हो जाए। कोई बच्चा मुझे reply कर सकता है? Anyone in the class? सर जो इसकी एम्पटी है ऊपर वाले की वो इसमें सारा जा चुका होगा सर। बेटा एक मिनट बात सुनो, क्या कहना चाह रहा है बेटा, दोनों आइडेंटिकल सर्कुलर कोन है, ईच ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, आर प्लेस एज शोन इन द डायग्राम, राइट। एट द स्टार्ट द अपर कोन इज फुल ऑफ वाटर, बेटा स्टार्ट में जो अपर कोन है फुल ऑफ वाटर है, लोअर कोन इज एम्प्टी, राइट। देन द वाटर ड्रिप डाउन थ्रू ए होल इन द, ये बेटा यहाँ से पानी जाता है और ये कब तक चलता है, जब इसकी हाइट 1 होती है, तो बेटा इसकी कितनी हाइट होगी? कोई बच्चा रिप्लाई कर सकते हैं? बेटा मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये वाला जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम इस यहाँ पर आ गया। यस नो? यस सर। बेटा मैं क्या करता हूँ, ये वॉल्यूम निकालता हूँ V2, इस V2 का मतलब टोटल वॉल्यूम में से क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, राइट। ये बेटा आपकी कितनी है, ये आपको रेडियस इज नॉट गिवन, इसको आर ले लीजिए, राइट। बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा सुनिए बेटा, जो इस आप जो ये फ्रस्टम का वॉल्यूम है ये कोन में चला गया। बेटा थंब लगा के रिप्लाई करो, बेटा रिप्लाई नहीं करते ना आप लोग, ये दिक्कत है। बेटा जो ये फ्रस्टम का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ पर चल गया, ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल कोन के वॉल्यूम में से बेटा लोअर कोन का सबट्रैक्ट करो, जो ये V2 है यहाँ पर आ गया, राइट। अब आप मुझे सोच के ये बताएं, जब आपको ये आपका आ चुका है तो इसकी हाइट मुझे निकालनी है, तो इसका मतलब जो ये वॉल्यूम है यहाँ पर आ जाएगा, वॉल्यूम गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स। एनीवन इन द क्लास बोलो कैसे करोगे बच्चे? बेटा पहले तो मेरे को ये बताओ, ये हाइट 1 है, राइट, ये हाइट आपकी 1 है और ये आपको हाइट निकालनी है, तो कैसे करेंगे बेटा बोलो? बेटा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अपर कोन, बेटा अपर कोन के फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पोर्शन ऑफ लोअर कोन, क्या ये ठीक लिखा है मैंने? यस सर।
वॉल्यूम ऑफ फील्ड पोर्शन ऑफ लोअर कोन। अब इन दोनों को आपने ये कैसे होगा इक्वल? बेटा जो ये वॉल्यूम आया इसमें चला चला गया ना बच्चे, बेटा एम्प्टी कौन सा हुआ है? ये बेटा इनिशियली फुल था, तो जब इसके टिनी होल के थ्रू यहाँ जाते तो पानी ये सारा यहाँ निकल गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा? रिप्लाई करो। यस सर। ये बेटा फ्रस्टम का वॉल्यूम और इसका ये लो ये वाला वॉल्यूम, दोनों को इक्वेट करके मैंने हिंट आपको दे दिया, आप कर लेना, हो जाएगा। आगे आइए प्रॉब्लम नंबर 19 को रीड करो, लास्ट प्रॉब्लम है आज की। कोई बच्चा रीड करके बताए 19? हिमांशी आप बताओ बेटा। हिमांशी इन द फिगर बिलो LMNO and GH JK are rectangles where GH is equal to half of LM. बेटा पहली रेक्टेंगल क्या है? LMNO, ये पहली रेक्टेंगल हो गई। सेकंड होगी GH LGH JK, ये आपकी सेकंड रेक्टेंगल। ओके अब क्या कहना चाह रहे हैं सुनिएगा बेटा। इन द फिगर बिलो LMNO GH JK are rectangle where GH बेटा ये हमें गिवन है half of LM। ये जो मानो लेंथ है बेटा LM का है आपका, ये अगर x है तो ये कितना बन जाएगा बच्चा x by 2। बेटा GH equal to ये लेंथ इसकी हाफ है और HJ इसकी हाफ है, ये अगर y है तो ये y by 2। यस नो बच्चे? बेटा पहली जो बड़ी रेक्टेंगल उसकी एजेस के हमने क्या की अज्यूम कर ली x and y, जो आपकी ये रेक्टेंगल है इसकी एजेस क्या है x by 2, y by 2, what fraction of region is bounded by LMNO that is not shaded? बेटा what fraction of region is मतलब आपसे क्या कहना चाह रहा है कि जो इसको छोड़ के जो वॉल्यूम है वो क्या है, कितना परसेंट फ्रैक्शन है? बेटा मुझे बताओ ए वन कितना है? बिल्कुल ठीक है बेटा, सोच के बताओ ए वन कितना होगा? एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल x into y, ए टू का मतलब लोअर रेक्टेंगुलर x by 2 into y by 2, ये बेटा बन गया 1 by 4 into a1, इसका मतलब ये एरिया पूरे का 1/4 है, तो एरिया ऑफ पोर्शन आउटसाइड द शेडेड पोर्शन, आउटसाइड द शेडेड, तो क्या बन जाएगा बच्चे a1 minus a2, ये आपका बन गया 3/4 टाइम्स ऑफ कितना आपका, तो आपका आंसर आ गया डी, करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए ये वैसे प्रॉब्लम 22 लास्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, जरा ये देखना जरा 24 एनीवन। बेटा ई साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। बेटा क्यूब हमें गिवन है इस टाइप का होगा, बेटा ई साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? 125। बेटा एक्स क्या बन गया? एक्स प्लस एक्स बाय 2, 50% क्या हो गया? बाय 2, ये बन गया 3x बाय 2। परसेंटेज इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया बच्चे कैसे करोगे? इंक्रीमेंट पहले एक्स थी तो अब x 0.5 हो गई। एक मिनट इसको मैं ऐसा कर लें, S2 minus S1 over S1 into 100, क्या ये ठीक है? रिप्लाई करो बच्चे। Yes, sir. S2 का मतलब न्यू सरफेस एरिया, बेटा क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा बोल के बताओ? 6x square? बोलो। Yes, sir. ये बन गया बेटा 3/2x whole square, ये आपका 6x square by 6x square into कितना आपका 100, right? तो बेटा आपको मैंने ये पोर्शन कर दिया है। एक बेटा असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर अभी करूंगा मेंसुरेशन की, मुझे लग रहा है मेंसुरेशन पे हमें टाइम अभी और लगाना चाहिए। मेंसुरेशन के असाइनमेंट जो आपको मैं शेयर करता हूँ टुमारो आई विल डिस्कस, राइट? अब आप पिरामिड की प्रॉब्लम, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ पिरामिड की प्रॉब्लम भी आप करें और मेंसुरेशन की जो असाइनमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ आप, और मैं आपको दो तीन पेपर भी, एक दो पेपर और मेरे पास है उनको भी शेयर कर देता हूँ, राइट? ओके बेटा।